एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व हर्ष और उल्लास और विधि विधान से मनाया गया। महानवमी को कन्या भोज कराकर पर्व का समापन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में नवरात्रि का पर्व पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माता की प्रतिमा अस्पताल परिसर में स्थापित की गई। प्रतिमा की स्थापना उपरांत निरंतर 9 दिनों तक आचार्यों की मौजूदगी में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न हुए, जिसमें अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, अस्पताल के स्टाफ, मरीज और उनके परिजन पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हुए। महानवमी के दिन अस्पताल परिसर में कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से आई कन्याएं शामिल हुई। अस्पताल में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के आयोजनों में आसपास के क्षेत्र में निवासरत लोग भी काफी संख्या में शामिल हुए। यहां पूरे विधि विधान से सुबह और शाम माता की पूजा अर्चना आचार्यों द्वारा कराई गई। नवरात्र महापर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप सभी को एसआर हॉस्पिटल परिवार की ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। एसआर हॉस्पिटल में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गोत्सव पर्व मनाया गया और नवरात्रि के अवसर पर माता की आराधना साधना की गई। विधिवत पूजा का उद्देश्य यह होता है कि हमारे अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनका कल्याण हो, हमारे स्टाफ हैं उनका कल्याण हो और क्षेत्र की जनता का, दुर्गवासियों का और समस्त जितने भी भारतीय हैं सभी का कल्याण के लिए मंगल कामना की जाती है। और मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि माता सभी को धन धान्य सुख समृद्धि बल बुद्धि विद्या प्रदान करें। माता जो ऐश्वर्य धन की देवी हैं, अपने प्रताप से सभी का कल्याण करती हैं। माता आप सभी का कल्याण करें। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार के नवरात्रि, गणेश उत्सव और बाकी सारे जो कार्यक्रम हैं आपके चैनल के माध्यम से प्रसारण किया जाता है और पूरे दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ में, देश विदेश में भी भक्ति भाव का वातावरण जो बना हुआ है, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। माता दुर्गा आप सदैव आप सभी की रक्षा करें और आप सभी की मंगल कामनाओं को पूरा करें। शुभ नवरात्रि। गौरतलब है कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में गणेश उत्सव के साथ साथ नवरात्र का पर्व अस्पताल का संचालन शुरू होने के बाद से ही पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता रहा है। इस दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। गणेश उत्सव के बाद अब नवरात्र का महापर्व अस्पताल में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।